मोहब्बत की कोई मंजिल नहीं है, मोहब्बत मौज है साहिल नहीं है। खुदा का आपकी ख्वाहिशात से कोई ताल्लुक नहीं। दरहकीकत खुदा का तजर्बा उसी वक्त होता है जब आपके अंदर कोई ख्वाहिश बाकी नहीं रहती। सोचने के अमल पर भी गौर करने की ज़रूरत होती है। जिस तरह गैर इरादी जिस्मानी हरकत होती हैं, बिल्कुल उसी तरह गैर इरादी सोच भी होती है। जब मोहब्बत आपकी हस्ती में दर आती है तो आप उसे हर किसी को देते हो, ना सिर्फ इंसानों को बल्कि जानवरों, दरख्तों और दूर के सितारों को। उसकी वजह यह है कि मोहब्बत ऐसी चीज़ है कि जिसे आप महज निगाह के ज़रिए दूर के सितारों को दे सकते हैं। सिर्फ आपके लमस से मोहब्बत किसी दरख्त में मुंतकिल हो जाती है, एक लफ्ज़ कहे बगैर, कामिल खामोशी में भी जिसे बयान किया जा सकता है। तो मोहब्बत को बयान की हाजत नहीं होती, ये अपना इजहार खुद करती है। आपके दिल में एक शमा है जो जलाए जाने के लिए बेताब है, तैयार है। आपकी रूह में एक खाली जगह है जो भरे जाने के लिए तैयार है। क्या आप ऐसा महसूस नहीं करते? मोहब्बत के जरिए तलख चीज़ें मीठी हो जाती हैं। मोहब्बत के ज़रिए तांबे के टुकड़े सोने में बदल जाते हैं। मोहब्बत के ज़रिए दर्द एक शफा बख्श मरहम बन जाता है और मोहब्बत के ज़रिए मुर्दा जिंदा हो जाते हैं। मोहब्बत आपके अंदर है, इसे फूटने दें। या आपके अंदर की मोहब्बत जैसे जैसे बाहर आएगी, वैसे वैसे ही तो आप ज़िंदा होने लग जाएंगे। तो ज़िंदा होने की कोशिश कीजिए, मोहब्बत बांटिए, मोहब्बत कीजिए।